स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम आपके इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर लाइन वाइज खत्म कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर जो हमने खत्म किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अब हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका नाम है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। इसके बाद बैंकिंग आएगी, मनी एंड बैंकिंग यूनिट है हमारी। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी शुरू करें। चलो भाई, फिर से भाई, कितने पॉइंट्स हमें कवर करने? मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम पहला पॉइंट जो हमें कवर करना है। भाई बार्टर सिस्टम क्या होता था, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को। दूसरा पॉइंट, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम। तीसरा, मीनिंग ऑफ मनी, ठीक में हमें पढ़ना है लीगल टेंडर मनी, ठीक है। के बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आ रहा है फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक। ये चार पॉइंट हमें आज खत्म करने हैं जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं बार्टर इकोनॉमी या फिर बार्टर सिस्टम। देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब पैसा नहीं था, जब पैसा नहीं बना था, तब ह्यूमन सिविलाइजेशन में ट्रेड और ये एक्सचेंज होता कैसे था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तब भी होता था, आज भी होता है। गोरे भी यही करने आए थे, ट्रेड करने आए थे हिंदुस्तान, और हम पे 200 साल राज किया, ठीक है। तो ये ट्रेड फंडा होता कैसे था? क्या था, पैसे नहीं थे, क्या ट्रेड नहीं होता था? होगा, कैसे होता था? जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। तो जिस इकोनॉमी में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाएं, उसे हम बार्टर इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ तीन पॉइंट हैं, फटाफट तीनों पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, कह रहा है इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड अपॉन बार्टर इज नोन एज, कह रहा है इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड अपॉन बार्टर is known as barter or economy। दूसरी बात हमेशा याद रखनी है कि हम barter economy को C2C economy भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम ही ने कहा कि goods के बदले goods exchange किए जा रहे हैं। भाई मुझे कपड़ा चाहिए, सामने वाले को एक और कोई सेलर बैठा है, उसको वीट चाहिए, तो मेरे पास वीट थी, उसके पास कपड़ा था, मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है आप मुझे कपड़ा दे दीजिए और मेरे पास एक दो बोरी वीट है वो आप ले लीजिए। तो उसने क्या किया, गुड्स के बदले गुड्स मुझसे एक्सचेंज कर लिए, ठीक। तो सी टू सी इकोनॉमी बोले तो क्या होता है, ये कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक। इसको हम लोग सी टू सी इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो एक इकोनॉमी जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जा रहा है। आज की तारीख में क्या है, आज की डेट में हम लोग गुड्स, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, हम बड़े आराम से उसको मनी में पे आउट करते हैं और उसके बाद उसकी सर्विसेज लेते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं। तो हम बार्टर सिस्टम को एक सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जहां मनी ना हो वो बार्टर सिस्टम है, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स हो, या फिर ऐसा सिस्टम जहां मनी ना हो। तो फिर सीधी भाषा हमने क्या कह दिया, इकोनॉमिक सिस्टम विदाउट इकोनॉमिक सिस्टम विदाउट द मनी और विदाउट द यूज ऑफ
मनी, ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक ठीक नाउ अब एग्जांपल देख लो क्या होता है इसका। एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख देना, एग्जांपल लिख लो पीस ऑफ क्लॉथ वॉज एक्सचेंज्ड फॉर 10 केजी राइस। यहां पर क्या है, एक कमोडिटी है कपड़ा, दूसरी कमोडिटी है फूड दैट इज राइस। तो हम कपड़ा एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर 10 केजी राइस। आओ भाई ठीक, क्यों हो गया हमारा मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। अब जब इस तरीके की इकोनॉमी अगर इमेजिन करके देखो कि मुझे बार्टर इकोनॉमी में सरवाइव करना है, कल को मोदी जी आए कहते कोई नोट नहीं चलेगा, जिसको आना है भाई गुड्स के बदले गुड्स दो, अब तो भाई तुम लोग सब बैठ जाओगे कि घर के बदले प्ले स्टेशन बेचे जा रहे हैं। कि आपको घर चाहिए, आपको कम से कम 20 प्ले स्टेशन चाहिए होंगे, तो एक तरफ आपने घर रख दिया, दूसरी तरफ प्ले स्टेशन ढेर सारे, अब तो वैरायटी आ गई ना भाई। तो भाई इतने महंगे महंगे होते हैं, मैं तो कहूँगा यार 10-12-15-20 ऐसे खरीदते जाओ तो रेंट पे चढ़ते जाओ, बहुत पैसा आ जाता है। सबके दिमाग में एक ख्याल आता है, ऐसी बात नहीं है, दसवीं में तुम हो तो क्या मतलब है, हमारे दिमाग में नहीं आया होगा दसवीं में, धीरे हमारे दिमाग में जाता है एक बड़ा सा गेम पार्लर खोल पढ़ा रहे। देख आगे बढ़ते हैं, तो देर आर सर्टेन डिफिकल्टीज जो होती हैं। पहली, सबसे पहली, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। अच्छा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है, कि भाई मुझे घर चाहिए और सामने वाले को प्ले स्टेशन। ठीक, तो मेरे पास प्ले स्टेशन होना जरूरी है और उसके पास घर होना जरूरी है। अब उसको सपोज करो कि प्ले स्टेशन नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे भैया वीट और राइस चाहिए, अनाज चाहिए, अब मेरे पास तो है नहीं, तो क्या मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना जरूरी था, जिसमें बायर और सेलर दोनों की नीड सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, ये बड़ी मुश्किल होती थी। चलो भाई इसके अंदर क्या लिख लो, इसके अंदर लिख लो, कह रहा है इट लुक्स फॉर द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट। ठीक, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स। चलो ये होता नहीं था भाई, ये मुश्किल है भाई बार्टर सिस्टम में, भाई जरूरी थोड़ी कि जो चीज़ हमें चाहिए वही सामने वाले के पास हो। ठीक, या सामने वाले को जो चीज़ चाहिए एज अ गुड्स तो भाई मेरे पास हो। ठीक, आगे बढ़ो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छा, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया, सिर्फ यही नहीं कि गुड्स के बदले गुड्स भी एक्सचेंज करने। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तुमने एक तरफ रखा राइस और दूसरी तरफ रखा था क्लॉथ कपड़ा, तो एक समस्या यही है कि भाई सामने वाले के, हमारे पास राइस हो और सामने वाले के पास क्लॉथ, और सामने वाले को भी राइस ही चाहिए। ठीक, तो यही समस्या नहीं है, समस्या ये भी है कि कितने राइस के बदले कितना क्लॉथ मिलेगा हमें, कितने राइस के बदले कितना कॉटन का कपड़ा या कोई भी कपड़ा हमें मिलेगा। ठीक, तो अब एक तरफ हम अनाज रख रहे हैं, एक तरफ कपड़ा है, भाई अनाज तो हम किलोग्राम के हिसाब से रखते हैं, कपड़े को हम मीटर के हिसाब से रखते हैं, इसको कितना दे भाई, ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या आता है, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, इट डील्स विद द प्रपोर्शन पार्ट, प्रपोर्शन इन विच ऑन विच टू गुड्स शुड बी एक्सचेंज्ड
अब यहां मैंने क्या कहा कि अ पीस ऑफ क्लॉथ वॉज एक्सचेंज फॉर 10 kg राइस। अब कितना पीस, पीस में कितना आएगा, कितने मीटर कपड़ा, ये तो पता ही नहीं। ठीक, ये जरूरी हो कि हमने कह दिया कि 1 मीटर कपड़े के लिए हमें 10 kg राइस चाहिए, तो वो कहे नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो 20 किलो में देंगे 1 मीटर कपड़ा, हमें 20 kg राइस मिलेगा तब हम 1 मीटर कपड़ा देंगे। यहाँ पर प्रपोर्शन में बड़ी दिक्कत आ जाती है बार्टर इकोनॉमी में। ठीक, तो दूसरी बड़ी डिफिकल्टी क्या हो गई हमारी, मेजर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यूज मेजर कैसे करें। तीसरी प्रॉब्लम पे आओ भाई, तीसरी प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। मैंने इसको सिंपल पता है क्यों बोला, अपने पास है नहीं ना तो टेंशन नहीं इस चीज, भाई कहीं अमीर हो गए बहुत समस्या होती है पैसा संभालना। ठीक, तो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, तुमने सुना होगा ना कि राजा महाराजाओं के पास इतना पैसा होता था कि लोग सोने चांदी के चम्मचों से खाना खाते थे, और क्या बोलते हैं सोने के महल होते थे, उनके दरवाजों पे चांदियां लगी होती थी, ये सब सुना होगा तुमने कि नवाब के पास इतना पैसा होता था कि वो स्विमिंग पूल भर भर के ज्वेलरी रखते थे, इतना पैसा होता था लोगों के पास कि कमरे बनाए जाते थे, इतना पैसा था कि कहीं गाड़ दिया और पता ही नहीं चला और वो सोने के रूप में था। तो अब ये क्या है, पहले भाई देखो मनी नहीं था, सच्चाई है, अगर मनी होता, अगर पहले मनी होता तो बैंक भी होते, फिर भाई हम 1 करोड़ रुपए का चेक ऐसे जेब में डालते मस्त, 1 करोड़ का आदमी है भाई बताओ, मस्त अपनी स्कूटी पे टहल रहा है, किसी को पता ही नहीं उसके जेब में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले कहता कि आप अमीर हैं तो कैसे दिखाओगे, भाई मेरे पास घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, बहुत बढ़िया घर है, घर पे सोना लगा दिया है और हटाओ चम्मच है, नहीं हमारे पास सोने चांदी के चम्मच है, तो कितना कर लोगे यार, कितना कितना भर लोगे। स्टोरेज करना वेल्थ की बड़ी मुश्किल होती थी उस टाइम पे, तो लोग इसी तरीके से स्टोर करते थे भाई, और क्या, राजा महाराजाओं में आज भी तुम चले जाओ देख लो कहीं तुमने जयपुर वयपुर जोधपुर उधपुर वहां तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न राजा हो गए, उन्होंने गाड़ियां वाड़ियां रख ली कि हम पुरानी क्लासिक रोल्स रॉयस रखे हुए हैं, घड़ियां वड़िया ये सब चलता है। तो अब आज की डेट में क्या है, आपकी वेल्थ स्टोर करना क्या आसान हो गया है। आप 10 करोड़ रुपए की भी आदमी हो, चलो 10 करोड़ रुपए तो बहुत कम बोल दिया मैंने आपके लिए, बड़े लोग होंगे, हजारों करोड़ों के मालिक हैं, हजारों करोड़ों रुपए, देखो बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना पैसा देखा ही नहीं, बोल ही नहीं जा रहा, हजारों करोड़ों रुपए के लिए अब तुम्हारे को ऐसा तो है नहीं कि स्टोर करना है कमरे में पैसा, ड्राफ्ट में है भाई, तुम बैंक मनी में स्टोर कर सकते हो, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। तो आज की डेट में क्या है, वेल्थ स्टोर करना काफी ईजिली है, बट पहले बार्टर टू बार्टर में तुम कैसे स्टोर करोगे वेल्थ, कितनी स्टोर करोगे वेल्थ। ठीक, जितना ज्यादा वेल्थी उतना ज्यादा तुम्हें स्टोर करना पड़ेगा, और कैसे करोगे भाई, वही घर, सोने चांदी के चम्मच। ठीक, तो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे, या वेल्थ स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी। आखिरी आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। पेमेंट, अच्छा डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है पेमेंट्स दैट हैज टू बी मेड इन फ्यूचर, है ना। आज क्या है, बैंक से लोन लिया, लोन को चुका रहे हैं 20 साल में, कितना लोन चुकेगा ये हमने बता दिया, एक इंटरेस्ट रेट सेट कर दिया, अंदाजा लगा दिया और मस्त अपना इंटरेस्ट दे दे के लोन चुका दिया। तो ये आज की डेट में पॉसिबल है क्योंकि मनी है। अब सोचो तुमने किसी से घोड़ा खरीदा है और तुमने कह दिया है कि हम 2 साल बाद रेस में दौड़ाने के बाद आपको इस घोड़े के बदले 10 ठो गाय दे देंगे, तो लो अब यहां पर क्या है, 10 गाय देनी पड़ेंगी। अब वो उसने आगे चल के कह दिया कि स्टैंडर्ड पेमेंट तो है ही, हमें घोड़े के बदले हाथी चाहिए, पॉसिबल है। हालांकि सुनने में अजीब लगेगा, सर घोड़े के बदले हाथी कौन देता है भाई, अज्यूम करना है तो भाई कुछ भी करो, क्या जा रहा है। तो पेमेंट्स जो फ्यूचर में करनी है तुम इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे बार्टर सिस्टम में, और लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सपोज करो भाई साहब आपने हमको 2 साल के लिए क्या बोलते हैं घोड़ा दिया था अपना, हमने उससे खूब कमाई करी, तांगा चलाया, हम आपको 2 साल बाद क्या बोलते हैं गेहूं देंगे, हम 2 साल बाद गेहूं देने गए, देखा क्या हुआ,
ये तो गेहूं खराब है, हमने तो आपको बढ़िया घोड़ा दिया था, आप हमें खराब गेहूं दे रहे हैं। आप एक काम करिए, या तो उसकी क्वालिटी अच्छी करिए या तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लो अब दिक्कत। फिर उसने कह दिया कि नहीं हमें गेहूं के साथ साथ चावल भी चाहिए। लो और दिक्कत। तो यहां क्या है, डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर पेमेंट्स होती थी ना वो क्लोज टू इम्पॉसिबल ही होती थी, और अगर होती भी थी तो उसमें धर के एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक, एक्सप्लॉयटेशन आज भी होता है, बस उसे आज हम कैसे कह देते हैं कि हाँ हमने साइन किया है, हमने तो 6% पे किया था, आपने 9% कर दिया, कोई बात नहीं, इकोनॉमी है, हम भी उसी का पार्ट है, पे करेंगे। ठीक, चलो यहां तक हो गए ये चार प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मीनिंग ऑफ मनी। मीनिंग ऑफ मनी, आओ भाई, अब मनी के मीनिंग को हम दो सेंस में पढ़ते हैं, आपके में एक ही आ रही है, लेकिन आप दोनों पढ़िए तभी आपको पहली वाली। पहला होता है लीगल फंक्शन या लीगल डेफिनेशन, एक होता है लीगल डेफिनेशन, एक होता है फंक्शनल। तो मनी क्या है ना, मनी जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी ना उसका सलूशन है, बस और कुछ नहीं। बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, है ना, मेजर ऑफ वैल्यू की, हम स्टोर नहीं कर सकते थे मनी को उस टाइम पे, वेल्थ को, और डेफर्ड पेमेंट की। यही सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बन गया मनी। तो फंक्शन, अब मनी के आते ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या थी भाई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मतलब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेबल एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ठीक एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले जनरली एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेबल क्या है भाई, नोट गिरा हुआ भी होगा ना, मिट्टी विट्टी लग गई है, सब खराब हो गया, लेकिन लोग उठा के उसको जेब में रख लेंगे, वो इतना ज्यादा जनरली एक्सेप्टेबल है, कोई मना नहीं करता। आप गुस्से में किसी को नोट मार दो हट, तो भी कहेगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, जा रहे, यही तो होता है कि लड़ाई वड़ाई हो जाती है, मेरा डैमेज हो गया गाड़ी का, दो मुझे पैसा, वो भी जनरली भाई लड़ाई हो गई, गाड़ी खराब हो गई, नहीं पैसा दो पहले, अभी बात खत्म हो जाएगी पूरी। तो मनी इज समथिंग जो जनरली एक्सेप्टेबल है, कहीं एक्सीडेंट भी हो गया है ना तो कहते हैं कि नहीं भैया एक्सीडेंट हो गया, पहले तो आप गाड़ी का हिसाब कर दीजिए, गाड़ी का सब, जान वान तो ठीक है बच गई, मेरी गाड़ी ठुक गई, पैसा, जनरली एक्सेप्टेबल, कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है मनी से, ठीक, कोई मना नहीं करेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी वजह से हम गुड्स हो सर्विस हो आज की डेट में हम सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज, जनरली एक्सेप्टेबल कोई मना नहीं करता। दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज की डेट में चाहे किसी भी तरीके के कोई टैंजिबल गुड्स हो सर्विसेज हो, हम हर एक सर्विस को मनी के मेजरमेंट में ला सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मनी, ठीक। फिर तीसरा कह रहा है एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। पहले हम क्या करते थे कि भाई, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि एक घोड़े के बदले एक हाथी, या एक हाथी के बदले 10 घोड़े, इस तरीके से रख लो, तो हम एक हाथी की कीमत कितनी लगा रहे थे, 10 घोड़े। अब क्या है, अब तो वो है नहीं, तो अब हमने क्या किया, एक हाथी की कीमत लगा दी कि भैया अब एक हाथी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, खरीदने मत निकल जाना, बहुत मार पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यूनिट की, हम जो कमोडिटीज हैं उनकी वैल्यू को मेजर करने लगे कि कपड़ा 1 मीटर कितने का, बीट पर केजी कितना है, ठीक है, राइस पर केजी कितने की है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल क्यों हो गई, क्योंकि अब हम लोगों ने मेजर करना स्टार्ट कर दिया है कमोडिटीज की वैल्यू को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी।
एंड एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब स्टोर ऑफ वेल्थ। तो यही चार प्रॉब्लम थी जो हमारी बार्टर इकोनॉमी की समस्या थी, और यही चार प्रॉब्लम मिला के डेफिनेशन तैयार हो गई। फिर से देख लो, कह रहा है एनीथिंग विच एक्ट विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म कर दिया इसने, दूसरा एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तीसरा मेजर ऑफ वैल्यू, और चौथा स्टोर ऑफ वैल्यू। यही चार पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और यही चार पॉइंट मनी के आने से सॉल्व हो गए। तो मनी इज नथिंग बट द सॉल्यूशन टू बार्टर इकोनॉमी। ठीक, अब आते हैं लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो लीगल डेफिनेशन, लीगल क्या है क्या नहीं है, तो गवर्नमेंट बताती है कि क्या लीगल है क्या नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कोई चीज कह दी है कि ये लीगल है, पेपर करेंसी और नोट, पेपर करेंसी नोट्स और कॉइन्स जिसपे गवर्नमेंट का ऐसे स्टैंप लगा होता है, मैं धारक को 100 रुपए देने का, अदा करने का वादा करता हूं, जिस तरीके से नोट पे लिखा होता है आप देखिएगा, कभी भी आरबीआई लिखा होता है ऊपर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे गवर्नमेंट जो भी गवर्नर है आरबीआई का उसके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये तो अथॉरिटी है भाई, ये तो गवर्नर ने, ये तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये लीगल मनी है, और अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया है तब तो एक्सेप्टेबल है। और जैसे ही अगर मोदी जी आ जाते हैं रात को और कहते हैं कि सुनो भाइयों बहनों, अब से 2000 रुपया बंद, 2000 रुपए के नोट इस तारीख के बाद से नहीं लिए जाएंगे, आप कृपया करके सारे बैंक में दे दो, या 500 रुपए के नोट अब नहीं लिए जाएंगे, अब वो लीगल टेंडर नहीं रह गए। लीगल टेंडर क्या होता था, अब गवर्नमेंट नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, आप किसी को दे दे जो रिकॉग्नाइज करने को राजी है, पर गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट नहीं करेगी मतलब कोई बैंक नहीं लेगा, कोई बैंक नहीं लेगा तो कोई दुकानदार सामान बेचेगा क्यों उस नोट का। ठीक है, ये होता है लीगल टेंडर मनी, जिसको गवर्नमेंट कह दे कि ये मनी है। ठीक, आगे बढ़ो, तो क्या होगा, एनीथिंग डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एज मनी, एनीथिंग डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एज मनी, तो वो क्या होता है, लीगल टेंडर। ठीक, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया है तो कोई रिफ्यूज भी नहीं कर सकता, नो क्रेडिटर कैन refuse the acceptance because it has legal power now, because it has legal power। ये हो गए हमारे definition of money। ठीक, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलो भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब हमने कवर कर लिया, लीगल टेंडर और एक फंक्शनल। अब फंक्शंस ऑफ मनी तो हो गए भाई, लो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, हमने चारों फंक्शंस कवर कर लिए। पहला फंक्शन क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा हम स्टोर कर सकते हैं अब मनी, स्टोर ऑफ वेल्थ, और चौथा स्टैंडर्ड हो गया है अब डेफर्ड पेमेंट का, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो यही चार प्रॉब्लम थी, यही चार फंक्शन बन जाते हैं, और कोई फंक्शन आ नहीं रहा। ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मनी, जो अभी बताए थे वही सारी चीजें यही आपके फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, आज की डेट में मनी के तौर पर एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं, तो कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है भाई। मेजर ऑफ वैल्यू, आज किसी भी चीज की कीमत हम मनी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वेल्थ, कितना भी पैसा हो बैंक में जमा कर दो, करोड़ों रुपए तुम्हारे ऐसे पड़े रहेंगे, मार्केट में लगे रहेंगे, कितना भी आसान हो स्टोर
कितना भी ज्यादा हो, आज की डेट में हम मनी को स्टोर बड़े आराम से कर सकते हैं। आपने सुना होगा, आप तो ऐसे समझते ही होगे ना कि भाई देखो यार, अनिल अंबानी का जो है, मुकेश अंबानी का घर है 10,000 करोड़ रुपए का या 15,000 करोड़ रुपए का है। 15,000 करोड़ मतलब हजार भी है और करोड़ भी है। तब ऐसा होता है? हाँ होता है, तभी तो है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट जो पैसा भाई बाद में देना है, दोस्त से मिलने वाला पैसा भूल जाइए, आपको नहीं मिलता। लेकिन आपने किसी बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक को आपको लौटाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। दोस्त के साथ अगर आपने किसी दोस्त को पैसा दे दिया है तो वो भूल जाइए आप, ठीक है? ऐसा समझ लीजिए कि वो उस आपका था ही नहीं, वो उसी का था ना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उस पैसे पे उसी का नाम लिखा था, बस आपकी जेब में था थोड़ी देर, उम्मीद ना रखना। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, आज की डेट में मनी ये भी काम करता है। तो यही चार फंक्शंस हैं, यही चार फंक्शन आ रहे हैं, यही कवर करना है। आखिरी टॉपिक चार फंक्शन, एक टॉपिक और है, एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी की शुरुआत हुई कहां? चलो भाई, एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो एवोल्यूशन मनी का कैसे हुआ है भाई? ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ही मनी का भी एवोल्यूशन होता गया है ना भाई। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं, एवोल्यूशन ऑफ मनी को तुम रिलेट करो ह्यूमन सिविलाइजेशन, और कुछ नहीं। कि कैसे कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो पहले क्या होता था, पैसे का तो कोई स्कोप नहीं था। पहले हम ह्यूमन का जो पहला एनिमल फ्रेंड बना था वो था डॉग। उसके बाद ह्यूमंस को धीरे धीरे, वो जो उस टाइम पे प्री हिस्टोरिक टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता था, एनिमल्स जो होते थे डोमेस्टिक एनिमल्स, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल जिनके पास भैया ज़्यादा होगा, जैसे सपोज करो ज़्यादा तुम्हारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, दूध दही की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अर्लीस्ट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता था, एनिमल मनी यूज होता था, जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल। फिर धीरे धीरे देखा कितने ही कर लेंगे। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में चेंज आया, ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ जो चेंज आया वो था कमोडिटी मनी, जिसे हम बार्टर टू बार्टर या सी टू सी इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां कमोडिटीज बेची और खरीदी जाती। ठीक, तीसरा जब आया कमोडिटीज के बाद भी देखा गया कि यार ऐसे तो कमोडिटीज को स्टोर करना लंबे समय तक, अब सपोज करो टोबैको अगर मींस ऑफ ट्रांजैक्शन यूज किया जा रहा है कि कमोडिटी है टोबैको, कहीं टी हो रही है, तो उसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो? एक टाइम बाद तो वो खराब हो जाएगा, मुश्किल की बात थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बढ़ गए किस पे, मेटल पे, तो बना मेटेलिक मनी, जिसमें सोने चांदी कॉपर के सिक्के होते थे, और हर एक जितना प्रेशियस जो मेटल होता था उसकी उतनी ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स। फिर मेटल वेटल खत्म हुआ, आ गए हम लोग 17th-18th century। 17th-18th century में क्या हुआ, पेपर मनी इंट्रोड्यूस हो गया। लो भाई, आप लोग कभी पूछेगा कि अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी देखना, उसमें 100-100 रुपए के नोट इतने बड़े बड़े होते, लोग ऐसे करके बकायदा अपने सूट के अंदर रखते थे, ऐसे पूरा पर्स पॉकेट ऐसे पतली सी बुक टाइप की निकालते थे, उसे 100 रुपए का इतना बड़ा नोट, एकदम काफी बड़ा, इतना बड़ा नोट दे। ठीक, उसके बाद पेपर मनी देखा गया कितना ही कर लेंगे, तो नोट का साइज तो छोटा हो गया लेकिन ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा हो गए। 20 भाई साहब, दिन के ना जाने कितने ट्रांजैक्शन मैं खुद कर देता हूं। तो सोचो कि 19th सेंचुरी की एंड होते होते, जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तब क्या हुआ भाई साहब, इंटरनेट का जमाना आ गया। अब वहां पर क्या हुआ कि बैंक मनी इंट्रोड्यूस किया गया। बैंक मनी क्या होता है, आज की डेट में हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं, जिसकी सैलरी वैलरी भी आती है, कोई बिजनेस भी करता है, तो वो पैसा उठा के बैंक में ही रखता है, बैंक से फ्लो ऑफ क्रेडिट स्टार्ट होता है। ठीक है, बैंक वो मनी अपने पास रखती है किस तरीके से, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म से स्टार्ट होते होते आपका डिमांड डिपॉजिट मीन्स पेबल ऑन डिमांड, जब मर्जी तब निकाल लेंगे, या ट्रांसफर करना है तो कर देंगे, भाई किसी को मुझे 1,00,000 रुपए देने, मैंने चेक दे दिया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इन सारे इंस्ट्रूमेंट से अब मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, और स्टोर ऑफ वैल्यू भी जो झंझट होता था वो भी खत्म हो गया। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन से एवोल्यूशन हुआ है मनी का। सबसे पहले आया एनिमल मनी, जहां पर हम डोमेस्टिक एनिमल एज अ मीन्स ऑफ मनी रखते थे या एक्सचेंज वैल्यू रखते थे। पहले यूज भी किया जाता कि गौधन, नाम सुना होगा आपने,
गोधन, जिसके पास ज्यादा काउस वो उतना ज्यादा धनी माना जाता था। ठीक, कमोडिटी में मींस क्या होता था कि पहले अलग अलग जगह कमोडिटीज भी चलती थी, अब कहीं टी चल रही है, कहीं टोबैको चल रहा है, ठीक, कहीं एनिमल स्किन होती है। अब सपोज करो एनिमल स्किन सर एक्सचेंज के लिए क्यों यूज होगी, दिमाग में ख्याल आता होगा या टोबैको क्यों यूज होगा, हर एक रीजन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर तुम सपोज करो नॉर्थ पोल के साइड कहीं कुछ ऐसी जगह रह रहे हो, या रशिया में साइबेरिया साइड कहीं रह रहे हो जहाँ 12 महीने सिर्फ बर्फ पड़ती रहती है भैया, तो तुम्हारे लिए उस वक्त एक कंबल की कीमत क्या होगी। एनिमल स्किन होते हैं फर, जितने ज़्यादा फर वाली एनिमल स्किन रशिया में या साइबेरिया में लोग उतना ज़्यादा एक्सचेंज करने को तैयार है। अब वहाँ जहाँ पर फूड नहीं अवेलेबल होता है, एस्किमोज, वहाँ पर क्या होता था, ड्राइड फिश, सूखी मच्छी, वो यूज़ हो रही है। ठीक है, अलग अलग तरीके से कमोडिटी, तो छोटे मोटे एग्जांपल है, ठीक है, टी, टोबैको, एनिमल स्किन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाने लग गई कमोडिटी के फॉर्म में। और ये इसका कौन सी चीज़ कहाँ पर एज अ एक्सचेंज यूज़ की जाएगी, डिपेंड करता था उस जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन से। ठीक है, अब रेत में जाओगे ज्योग्राफिकल लोकेशन तो पानी की कीमत लगेगी, पानी में आओगे तो ज़मीन की कीमत लगेगी। क्लियर, मेटालिक, मेटालिक में आ जाते थे हमारे क्या, गोल्ड, पेपर, गोल्ड, कॉपर, कॉपर है ना, सिल्वर कॉइन्स आ जाते थे, कॉइन्स हो गए, ये मेटल प्रेशियस मेटल माने जाते थे, और इनकी हर एक जो जितना ज्यादा प्रेशियस मेटल उसकी उतनी ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू। ठीक, फिर पेपर मनी और बैंक मनी, मैंने आपको बता दिया। बैंक मनी में क्या होता था, बैंक मनी में नथिंग, डिमांड डिपॉजिट्स होने लग गए। क्यों होने लग गए डिमांड डिपॉजिट्स करने लग गए, क्योंकि हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे थे जो कि पेपर मनी के साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे, तब डिमांड डिपॉजिट स्टार्ट। डिमांड डिपॉजिट, अब आज की डेट में हम किस तरीके से विड्रॉ करते हो भाई पैसा, मैंने कहा DD कर लेंगे, डिमांड ड्राफ्ट, चेक से पैसा निकाल लेंगे, अब तो ऑनलाइन भी हो जाता है, फट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हो गई, बैंक मनी का। तो जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन भाई आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हम लोग भी मीन्स ऑफ एक्सचेंज या मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज को कन्वर्ट करते गए। पहले जानवरों में थी, फिर कमोडिटीज में आई, फिर प्रेशियस मेटल में आई, उसके बाद पेपर नोट्स, और आज की डेट में सब डिमांड ड्राफ्ट या बैंक। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि बैंक से रिलेटेड है। थैंक यू क्लास।